हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वेलकम टू मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक। दिस इज पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ये है हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। तो चलिए जानते हैं पार्ट्स ऑफ अ स्पीच क्या है और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। थोड़ा नया सीखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सब लोग पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ इसे नए तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। देखिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। Each group is called parts of a speech. समझिएगा क्या है? All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of a speech. Parts of a speech किसे कहा जाता है? English के जितने भी words होते हैं आपको 8 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। दैट मीन्स जैसा जैसा काम होता है, हर एक वर्ड का अपना अपना काम होता है। तो देखिए ये 8 वर्क कौन से हैं, चलिए लिखते हैं इसे। फर्स्ट, पहला जो होता है वो होता है हमारा नाउन, ये पहला है। दूसरा प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, पांचवा हो जाएगा हमारा एडवर्ब, और 6 है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन 7 कंजंक्शन, कंजंक्शन, और 8 जो होगा वो होगा हमारा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। देखिए तो ये है 8 पार्ट्स, यानी जितने भी शब्द होते हैं उन्हें 8 भागों में ही विभाजित किया जाता है। वो होता है नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। ये किधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर उधर भी हो जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, वर्ब मीन्स क्रिया, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन संयोजक होता है, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। देखिए इसे जो है समझने के लिए हमें क्या करना होगा, जब तक हम सेंटेंस में वर्ड्स को नहीं देखेंगे तब तक हम कह ही नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है। दैट मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भेद है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसे सेंटेंस में देखना होगा। तो चलिए हम लोग सेंटेंस से देखते हैं, लेते हैं सेंटेंस। वाट आर द रोजेज, चलिए मैंने एक सेंटेंस लिया, वाट आर द रोजेज, एक सेंटेंस। मैं एक सेंटेंस और लेता हूं, टेक सम वाटर, समझिएगा मैं एक सेंटेंस और लेता हूं, आई सॉ अ वाटर बर्ड। अब ध्यान दीजिएगा आप, मैंने 3 सेंटेंस लिया है, वाटर द रोजेस, टेक सम वाटर, आई सॉ अ वाटर बर्ड। अब देखिए इस तीनों सेंटेंस में, इन तीनों सेंटेंस में आपको नजर आएंगे वाटर वाटर वाटर। अब यहां ध्यान दीजिएगा आप, इसमें वाटर जो है ना 3 बार वाटर यूज हुआ है, लेकिन तीनों ही सेंटेंस में वाटर का अलग अलग काम है।
चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट का सेंटेंस में जो है आप देखिएगा, वाटर जो है क्या कर रहा है, वाटर द रोजेस, ये हम बोलते हैं क्या है। आप सेंटेंसेस, हम मैंने सेंटेंस पढ़ाया उसमें आप देखे जाके देख सकते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा ये जो हमारा सेंटेंस है वाटर द रोजेस, यानी कि रोज प्लांट्स है उन्हें पानी दे दीजिए, पानी दे दीजिए, ये आज्ञाकारी होता है ना इस तरह से, जब हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका। तो वाटर द रोजेस हियर, यहां लिख सकते हैं हियर वाटर इज अ वर्ब। इस सेंटेंस में हमारा जो वाटर है ना ये वर्ब का काम कर रहा है, कैसे, क्योंकि ये देखिए इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वर्ब से शुरू होता है, उसके पहले अगर हम इसे बोलें तो ऐसे बोलना होगा यू वाटर द रोजेस, इसमें हमारा यू जो सब्जेक्ट है हियर सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, यहां अंडरस्टूड है, दैट मींस आपको समझ जाना कि यहां यू छुपा हुआ है, तो यू सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब आया, तो वाटर क्या कर रहा है वर्ब का काम कर रहा है, तो हियर वाटर इज अ वर्ब। अब चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस, इसमें टेक सम वाटर, ये भी सेंटेंस उसी तरह है टेक सम वाटर, इसमें भी यू छिपा हुआ है, लेकिन हमें यहां पता करना है टेक सम वाटर, कुछ पानी ले लो, ऐसे तो ऐसे भी कर सकते हैं तुम कुछ पानी ले लो, तो यहां भी आप समझ सकते हैं दिस इज ऑल्सो द इंपेरेटिव सेंटेंस एंड हियर ऑल्सो यू इज अंडरस्टूड इन दिस सेंटेंस, यहां भी यू अंडरस्टूड है, तो यहां क्या करते हैं देखिए, यहां सम, यहां भी वाटर है, तो यहां क्या बोलेंगे, वाटर क्या है, सम वाटर कुछ पानी, तो ये देखिए सम जो है एडजेक्टिव के रूप में यानी कि वाटर को क्वालिफाई कर रहा है, क्या होगा लिख सकते हैं हियर वाटर इज अ नाउन, यहां वाटर जो है सेकेंड सेंटेंस में नाउन होगा। ओके अब चलिए देखते हैं तीसरा सेंटेंस, यहां भी वाटर हमारा यूज हुआ है, आई सॉ अ वाटर बर्ड, अब ध्यान दीजिएगा इसमें वाटर क्या है, मैंने एक वाटर बर्ड को देखा यानी कि जलीय पक्षी को देखा। ओके यहां होगा मैंने एक जलीय पक्षी को, तो यहां ध्यान दीजिएगा हियर वर्ड इज अ नाउन एंड वाटर इज क्वालिफाइंग द वर्ड बर्ड, यानी कि वाटर जो है बर्ड को क्वालिफाई कर रहा है यानी उसकी विशेषता बतला रहा है, तो विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं एडजेक्टिव, तो हमारा यहां जो वाटर होगा लिख सकते हैं हियर हियर वाटर इज एन एडजेक्टिव। तो हमने क्या देखा इस तीन सेंटेंस से क्लियर हुआ कि जब तक हम सेंटेंस में वर्ड्स को नहीं देखेंगे तो हम नहीं कह सकते वी कैन नॉट से कि कौन सा वर्ड ये किस ग्रुप से है, तो वर्ड में यहां सेंटेंस में देखने के बाद ये क्लियर हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे क्या करते हैं अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज वर्ब, इस तरह करके हम सब देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। आज हमने बस ओवरव्यू लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इस चीज को यानी सब को हम क्लियर करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। और एक चीज और, इस चैनल पे ही आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे क्लास 9 और 10 के। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।